गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन की दी अनुमति। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, शाहपुर और गोरखनाथ क्षेत्र में 21 से 27 जुलाई तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। लोगों से की अपील, कहा घरों में रहें, सुरक्षित रहें, करें लॉकडाउन के नियमों का पालन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव ने किया कोविड-19 के साथ जीडीए और गीडा के कार्यों की समीक्षा। जीडीए और गीडा के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड संक्रमण के बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विशेष सर्विलांस अभियान की बैठक। प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य जांच के दिए निर्देश, कहा ना होने पाए कोरोना से कोई मौत। आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को मिलेगा मुफ्त में कोरोना इलाज। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने 11 निजी अस्पतालों को अधिकृत कर कोविड L2 किया घोषित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने स्वामित्व योजना के कार्यों की समीक्षा। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम कार्यालय में कोविड-19 पॉजिटिव कर्मचारी पाए जाने के बाद जिलाधिकारी के आदेश से कलेक्ट्रेट परिसर को 2 दिनों के लिए किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। बंद रहेंगे सभी कार्यालय, घर से कर्मचारी करेंगे कार्य। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सोमवार को घोष कंपनी से बख्शीपुर तक किया पैदल गश्त, लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। महानगर में सोमवार को लॉकडाउन खुलने पर दिखा चहल पहल। एडीएम सिटी ने लोगों से की अपील, बिना जरूरत के घरों से ना निकले बाहर। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा शेरनी दस्ते को कैप्सूल कोर्स कराए जाने के दौरान किया गया ब्रीफ, कहा शेरनी दस्ता को और बेहतर करने के लिए 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स की दी जा रही है ट्रेनिंग। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में SJPU और AHTU की गई मासिक समीक्षा और समन्वय बैठक। सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल आश्रय गृहों में आवासीय बच्चों की सुरक्षा, देखरेख, पोषण और स्वच्छता के संबंध में की गई चर्चा। गोरखपुर जिले में सोमवार को पाए गए नए 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1142, जिसमें 587 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। अब तक कोरोना संक्रमित 23 लोगों की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर, डीएम ने कहा जिले में बाढ़ से निपटने की पूरी है तैयारी। फिलहाल जिले में नहीं है बाढ़ की स्थिति, प्रशासन सतर्क। और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार से 1 सप्ताह के लिए लगेगा लॉकडाउन। एडीएम सिटी ने कहा ऑनलाइन के माध्यम से होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई।